हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज का हमारा टॉपिक है क्लस्टरिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग एंड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स। क्लस्टर एनालिसिस और क्लस्टरिंग इज द टास्क ऑफ ग्रुपिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सच अ वे दैट ऑब्जेक्ट्स इन द सेम ग्रुप आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन टू दोस इन अदर ग्रुप्स। मीन्स क्लस्टरिंग का मतलब होता है ग्रुप बनाना। यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इन सच अ वे दैट द मेंबर ऑफ वन ग्रुप इज सिमिलर एंड द अदर ग्रुप्स इज डिफरेंट। मीन्स यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट हैं, जो सेम ग्रुप के ऑब्जेक्ट रहेंगे उनमें सिमिलैरिटी होगी और जो दूसरे ग्रुप के ऑब्जेक्ट रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। वी कैन क्लासीफाई क्लस्टरिंग इन टू टू कैटेगरीज। हार्ड क्लस्टरिंग, items belongs exclusively to one cluster. For example, K means clustering. तो hard clustering में जो हमारे पास cluster होते हैं उसके जो भी items होते हैं वो exclusively एक ही cluster को belong करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास diagram में हमें दो cluster दिए हुए हैं, तो जो first cluster में data items हैं जो red color के हैं वो exclusively इसी cluster को belong करेंगे, और second cluster जो हमारे पास है उसमें blue data points हैं तो वो exclusively सेकेंड क्लस्टर को ही बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास क्लस्टरिंग का है वो है सॉफ्ट क्लस्टरिंग, जिसको हम लूज क्लस्टरिंग भी बोलते हैं। इसमें जो आइटम्स होते हैं वो एक से ज्यादा क्लस्टर को भी बिलोंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फजी क्लस्टरिंग, तो यहाँ पे जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास दो क्लस्टर दिए हुए हैं लेकिन कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों ही क्लस्टर में बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्लस्टरिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं ब्लॉग लिखने की, तो उसमें हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे कि जो ब्लॉग्स हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में बिलोंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, फिक्शन एक्सेट्रा। तो इसमें हमारे पास ऐसा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि हम ब्लॉगर जो है उसको एक रिस्ट्रिक्ट करें कि वो अपनी जो भी ब्लॉग है उसको कैटेगरी करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन का यूज कर सकता है। मींस वो या तो उसे साइंस में रख सकता है या फिर आर्ट्स में रख सकता है या फिर फिक्शन में रख सकता है। तो इस तरह का जो रिस्ट्रिक्शन होगा जहाँ पे ब्लॉगर सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड क्लस्टरिंग। जबकि इसके अपोजिट अगर हम ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं जहाँ पे जो ब्लॉगर है वो एक से ज्यादा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता है, तो इस तरह की जो क्लस्टरिंग होगी उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट क्लस्टरिंग या फिर लूज क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन एंड सुपरवाइज लर्निंग के बारे में डिटेल में हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। क्लासिफिकेशन, दिस मॉडल फंक्शन क्लासिफाइज द डेटा इनटू वन ऑफ गिवन प्री डिफाइंड डेफिनेट क्लासेस। क्लासिफिकेशन में जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो वहां पे हमारे पास प्री डिफाइंड डेफिनेट क्लासेस होती हैं। मीन्स हमको पहले से पता होता है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रहेंगी और कितने क्लासेस में हमें डेटा को क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के मार्बल्स हैं, तो अगर हमें उन्हें क्लासिफाई करना है तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा जो डेटा होगा वो तीन क्लासेस में डिवाइड होगा। यहाँ पे तीन क्लासेस बनेंगी, तो जो भी मार्बल है वो या तो रेड क्लास को बिलोंग करेगा या ग्रीन को या फिर ब्लू को। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास प्री डिफाइंड डेफिनेट क्लासेस होती हैं। क्लस्टरिंग, दिस फंक्शन मैप्स द डेटा इनटू वन ऑफ द मल्टीपल क्लस्टर्स वेयर द अरेंजमेंट ऑफ डेटा आइटम्स इज रिलाइज ऑन द सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। क्लस्टरिंग में हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर कितने बनेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन में हमें पता है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेंगी, लेकिन क्लस्टरिंग में जो हमारे ग्रुप बनते हैं वो टोटली डिपेंड्स करते हैं कि डेटा आइटम्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लस्टर कितने क्रिएट होंगे ये हमें नहीं पता होता है। यहाँ पे एक से लेके मल्टीपल क्लस्टर तक क्रिएट हो सकते हैं, जो कि डिपेंड करेगा कि डेटा आइटम्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल है सुपरवाइज्ड लर्निंग का, क्योंकि यहाँ पे हम लेबल डेटा सेट यूज करते हैं, जबकि क्लस्टरिंग में हम अनलेबल्ड डेटा सेट यूज करते हैं, इसीलिए एग्जाम्पल है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल का। ट्रेनिंग सैंपल प्रोवाइडेड, क्लासिफिकेशन में ट्रेनिंग सैंपल हमारे पास होता है जबकि क्लस्टरिंग में हमारे पास कोई ट्रेनिंग सैंपल नहीं होता है।
बिजनेस में क्लस्टरिंग का यूज होता है सेगमेंटेशन के लिए। जब हमें मार्केट एंड कस्टमर को सेगमेंट करना होता है तब हम क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हमें कस्टमर के शॉपिंग बिहेवियर एंड शॉपिंग पैटर्न को एनालाइज करना है तब भी हम क्लस्टरिंग का यूज करते हैं। तो अलग अलग बिजनेस में हम क्लस्टरिंग का यूज देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है रिटेल शॉप। तो जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं या फिर मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी हम परचेसिंग करते हैं वहाँ पे सेम टाइप के आइटम्स एक ग्रुप में रखे होते हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप या जिसको हम बोल सकते हैं क्लस्टर, उसमें ये अरेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेजिटेबल सेक्शन की बात करें तो सब वेजिटेबल्स हमको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसी तरीके से ग्रॉसरी आइटम का एक अलग सेक्शन होता है। तो जो भी रिटेल शॉप है या फिर मॉल्स वगैरह है वहाँ पे इस तरह का क्लस्टरिंग पैटर्न हम देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम शॉपिंग वेबसाइट की बात करें तो जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स हैं अलग अलग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसमें जो रिकमेंडेशन सेक्शन होता है वो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम पर ही बेस होता है। तो जो भी हमने रिकमेंडेशन आती है कि हम कौन कौन से और आइटम्स ले सकते हैं वो इसी बेसिस पे आती है कि हमने पहले क्या परचेसिंग वहां से की है। तो ये जो रिकमेंडेशन सेक्शन आता है ये भी क्लस्टरिंग पे ही बेस होता है। जो सेम टाइप के आइटम्स हम पहले परचेस कर चुके होते हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे रिकमेंडेशन आती है। और अमेजोन में अगर हम एग्जाम्पल लें अमेजोन का, तो वहाँ पे जो 35% रेवेन्यू है वो यहाँ के रिकमेंडेशन सेक्शन से ही जनरेट होता है। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स है, वहाँ पे भी जो रिकमेंडेशन सेक्शन है वहाँ से 75% जो कस्टमर होते हैं वो वही मूवी देखते हैं जो वहाँ पे रिकमेंडेशन सेक्शन में शो होती है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बैंकिंग का। तो बैंकिंग में जो कस्टमर सेगमेंटेशन है या फिर क्रेडिट स्कोरिंग है वहाँ पे क्लस्टरिंग का यूज होता है। उसी तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी में हम जो फ्रॉड डिटेक्शन है या रिस्क फैक्टर है उसका एनालिसिस हम क्लस्टरिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लस्टरिंग का यूज करके हम बिजनेस में डेटा को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं और कस्टमर के जो भी बाइंग पैटर्न है उसको इजीली समझ सकते हैं। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स, तो क्लस्टर बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स और एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम उनमें से कुछ एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एल्गोरिदम है वो है क्लस्टरिंग पार्टीशन मेथड। क्लस्टरिंग पार्टीशन मेथड में जो हमारा पार्टीशन होता है वो बेस्ड होता है डिवीजन मेथड पे। तो यहाँ पे जो हमारा डिवीजन है और पार्टीशंस है वो हम क्रिएट करते हैं बिटवीन डेटा सेट। तो जो भी डेटा सेट्स है उसकी हम क्लस्टरिंग जो बनाएंगे वो पार्टीशन या डिवीजन के हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे जो पार्टीशन होता है वो प्री डिफाइंड नॉन एम्प्टी सेट होता है। मतलब यहाँ पे पार्टीशन हमें पहले से ही बताना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये वाला जो पार्टीशन मेथड है ये सूटेबल होता है स्मॉल डेटा सेट के लिए। इसका एक एग्जांपल हो सकता है के मींस क्लस्टरिंग, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है वो है हायरार्किकल क्लस्टरिंग मेथड। हायरार्किकल क्लस्टरिंग मेथड जो है वो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। मतलब यहाँ पे जो हमारी मेथड हम यूज करते हैं क्लस्टर बनाने के लिए उसमें हम डिवीजन और सब डिवीजन देखते हैं। सब डिवीजन का मतलब होता है यहाँ पे हम नेस्टेड क्लस्टरिंग हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक हायरार्की मेंटेन होती है और ये जो हायरार्की है वो डिपेंड करती है यूजर चॉइस के ऊपर। और जो नंबर ऑफ क्लस्टर होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। मतलब जैसे हमने पार्टीशन मेथड में देखा था कि यहाँ पे जो डिवीजन थे, जो पार्टीशन थे वो पहले से प्री डिफाइंड थे, लेकिन हायरार्किकल क्लस्टरिंग मेथड में हमारे पास जो क्लस्टर होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। मतलब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और ये पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एल्गोरिदम है क्लस्टरिंग का वो है डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड जो है वो डिपेंड करती है क्लोजेस्ट डेटा सेट पे। मतलब जो भी क्लोजेस्ट और नियरेस्ट डेटा सेट्स होंगे वो कंसीडर होंगे क्लस्टर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ डेटा, मतलब जितना हमारे पास इनपुट डेटा पास में होगा, क्लोजर होगा या हम बोल सकते हैं डेंसर होगा, उतना ही बेटर हमें क्लस्टर फॉर्मेशन मिलेगा।
तो इस वाले मेथड में, जो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड है, इस वाले मेथड में हमें प्रॉब्लम तब हो सकती है जब हमारे पास डेटा जो है वो आउटलायर्स है, मतलब आउटलाइन पे है, तो उस केस में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में हम यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में डिटेल में हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली ये तीन एल्गोरिदम्स, जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं, उनका हम यूज कर सकते हैं क्लस्टर बनाने के लिए। के मीन्स क्लस्टरिंग मेथड। K means is a well-known partitioning method which partitions the data sets with the help of the centroid. तो अभी हमने जो तीन एल्गोरिदम पढ़े थे क्लस्टरिंग के, उसमें से के मीन्स जो है वो एग्जाम्पल है पार्टीशनिंग मेथड का, जहां पे हम डेटा सेट्स को पार्टीशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रॉइड। द के मीन एल्गोरिदम आइडेंटिफाइज के नंबर ऑफ सेंट्रॉइड्स एंड देन एलोकेट्स एवरी डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट क्लस्टर वाइल कीपिंग द सेंट्रॉइड एज स्मॉल एज पॉसिबल। द मीन्स इन द के मीन्स रेफर्स टू एवरेजिंग ऑफ द डेटा दैट इज फाइंडिंग द सेंट्रॉइड। तो के मीन्स एल्गोरिदम में हम सबसे पहले सेंट्रॉइड आइडेंटिफाई करते हैं। ये सेंट्रॉइड पहले हम रैंडमली आइडेंटिफाई करते हैं, जो होता है के मीन्स हमको कितने क्लस्टर बनाने हैं, ये डिपेंड करता है के की वैल्यू पे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी डेटा पॉइंट्स हैं वो हमारे कौन से क्लस्टर के पास में हैं, और उस हिसाब से हम डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर में असाइन करते हैं। यहाँ पे हम के मीन्स में जो मीन्स का यूज कर रहे हैं, वहां पे मीन्स का मतलब होता है एवरेजिंग ऑफ डेटा, मतलब यहाँ पे हम सेंट्रॉइड फाइंड करते हैं। तो के मीन्स एल्गोरिदम में हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इनिशियलाइज क्लस्टर सेंटर्स, मतलब के की वैल्यू हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर हमें यहाँ पे बनाने हैं। सेकेंड है असाइन ऑब्जर्वेशंस टू द क्लोजेस्ट क्लस्टर सेंटर। उसके बाद जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स हैं उसको हम क्लोजेस्ट क्लस्टर सेंटर में असाइन करते हैं। थर्ड स्टेप है रिवाइज क्लस्टर सेंटर्स एस मीन ऑफ असाइंड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हम क्लस्टर सेंटर को रिवाइज करते हैं जो भी मीन है उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ स्टेप में हम स्टेप नंबर 2 and 3 को रिपीट करते हैं अनटिल कन्वर्जेंस। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस पूरा वर्क होता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें हमको के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है इनिशियलाइजेशन का, कि हमें क्लस्टर सेंटर इनिशियलाइज करने हैं। तो हम यहाँ पे रैंडमली दो क्लस्टर ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू हम 2 चूज कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम दो क्लस्टर बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले रैंडमली दो क्लस्टर सेंटर यहाँ पे चूज कर रहे हैं। अब ये जो क्लस्टर सेंटर हमने चूज किए हैं, ये अभी हमने रैंडमली चूज किए हैं, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। सेकेंड स्टेप में हम अलग अलग डेटा पॉइंट्स का क्लस्टर सेंटर से क्या डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पॉइंट लिया है ए, तो हम ए का डिस्टेंस मेजर करेंगे C1 से और C2 से। सपोज हम ए का डिस्टेंस जो C1 से है उसे डिनोट कर रहे हैं D1 से, और C2 से जो इसका डिस्टेंस है उसको डिनोट कर रहे हैं D2 से। अब यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो D1 डिस्टेंस है वो कम है कंपेयर टू D2। तो यहाँ पे जो हमारा ए डेटा पॉइंट्स है वो क्लस्टर 1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है वो कम है। सिमिलरली जो बाकी के डेटा पॉइंट्स हैं हम उनको भी क्लस्टर में असाइन करेंगे बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंस, कि उनका डिस्टेंस क्या है C1 एंड C2 से। तो सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है वो ये है कि ईच ऑब्जर्वेशन इज इटरेटिवली असाइन टू द क्लस्टर हूज सेंट्रॉइड इज द मोस्ट सिमिलर टू द ऑब्जर्वेशन इन द सेंस दैट इट मिनिमाइजेज द डिस्टेंस फ्रॉम द रिकॉर्ड। तो C1 एंड C2 से हर एक डेटा पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना है और जो इसके नियरर है उसको उस क्लस्टर में डालना है। तो इस तरीके से हम हर एक डेटा पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो फाइनली हमें कुछ इस तरह का डेटा सेट मिलेगा जहाँ पे जो पॉइंट्स हमारे C1 के पास थे वो क्लस्टर C1 में जाएंगे और जो पॉइंट्स C2 के पास थे वो क्लस्टर C2 में जाएंगे। इन थर्ड स्टेप वी अपडेट द क्लस्टर सेंटर्स बेस्ड ऑन द पॉइंट्स असाइन टू देम। तो थर्ड स्टेप में हम क्लस्टर सेंटर रिवाइज करते हैं। क्लस्टर सेंटर रिवाइज करने का ये मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेप में हमने रैंडमली क्लस्टर सेंटर्स इनिशियलाइज किए थे उनको हम यहाँ पे चेंज करते हैं, उनको हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो जो भी हमारे पास
ऑब्जर्वेशन है उनका हम मीन लेते हैं और उस मीन के अकॉर्डिंग हम नया क्लस्टर सेंटर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो पहले क्लस्टर सेंटर था उसको हम डिनोट कर रहे थे C1 से, अब जो हमारे पास अपडेटेड क्लस्टर सेंटर आया है वो आया है C1 डैश, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ट्राइंगल शेप से। सिमिलरली अगर हम सेकेंड क्लस्टर की बात करें, ब्लू क्लस्टर की, तो वहां पे पहले हमारे पास जो क्लस्टर था वो था C2, लेकिन अपडेट करने के बाद हमारे पास जो क्लस्टर आया है वो आया है C2 डैश। लास्ट एंड फाइनल स्टेप में हम स्टेप नंबर 2 और 3 को ही रिपीट करते हैं। जो हमें अपडेटेड क्लस्टर सेंटर मिले हैं C1 डैश और C2 डैश, उनसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं सभी डेटा पॉइंट्स का। तो यहाँ पे हम सभी डेटा पॉइंट्स का जब डिस्टेंस मेजर करेंगे C1 डैश से और C2 डैश से, तो हम देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर का एक डेटा पॉइंट्स है उसका डिस्टेंस अभी C1 डैश से है D1 और C2 डैश से इसका डिस्टेंस है D2। तो अब ये जो डेटा पॉइंट है ये हमारा बिलोंग करेगा C1 डैश में, मतलब अब ये जो डेटा पॉइंट है ये हमारा क्लस्टर नंबर 1 में आ जाएगा, मतलब रेड क्लस्टर में आ जाएगा। और जो C2 डैश से इसका डिस्टेंस क्योंकि ज्यादा है तो यहाँ से एक डेटा पॉइंट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो कुछ डेटा पॉइंट्स जो होते हैं वो अपनी क्लस्टर मेंबरशिप को चेंज करते हैं, मतलब एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो सेंट्रॉइड है वो चेंज होता है दोनों ही क्लस्टर का, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स जो हैं वो क्लस्टर 1 के क्लस्टर 2 में जा सकते हैं या फिर क्लस्टर 2 के क्लस्टर 1 में आ सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं वो अगर चेंज होंगे तो उनका एवरेज भी चेंज होगा। जैसे पहले हमारे पास क्लस्टर 1 में जो रेड कलर का क्लस्टर है उसमें पहले हमारे पास 8 डेटा पॉइंट्स थे, पर इस प्रोसेस के बाद यहाँ पे ब्लू वाला जो डेटा पॉइंट्स है वो हमारा क्लस्टर 1 में आ गया, तो अब हमारे पास टोटल 9 डेटा पॉइंट्स हो गए। तो रेड में 9 डेटा पॉइंट्स हो गए और ब्लू में हमारे पास एक डेटा पॉइंट कम हो गया, तो 8 ही वहां पे रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम सेंट्रॉइड की अगर बात करें तो सेंट्रॉइड दोनों ही क्लस्टर के चेंज हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है कि क्लस्टर में हमारे मेंबर्स जो हैं वो अपडेट होते हैं और उनका सेंट्रॉइड जो है वो भी चेंज होता है। तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं जब तक हमने एक स्टेबिलिटी को अचीव ना कर लें। मीन्स ये एल्गोरिदम तब तक चलता है जब तक कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो अपनी मेंबरशिप को चेंज करते हैं। जब हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, एल्गोरिदम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जब कोई भी पॉइंट्स अपनी क्लस्टर मेंबरशिप को चेंज नहीं करे, तब हम इस एल्गोरिदम को स्टॉप कर देते हैं। फाइनली नंबर ऑफ इटरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें इस तरह का सोल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लस्टर बन गए हैं, एक हमारे पास है रेड क्लस्टर और सेकेंड हमारे पास है ब्लू क्लस्टर। तो के मीन्स क्लस्टरिंग में जो हमारे पास आउटकम आता है, जो हमारे पास एंड रिजल्ट आता है, वो डिपेंड करता है कि हमने के की वैल्यू क्या चूज की है। और स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में जब हम क्लस्टर सेंटर चूज करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम इनिशियली क्लस्टर सेंटर असाइन करते हैं वो हमें इस तरीके से लेना चाहिए कि वो एक दूसरे के दूर दूर हो, मतलब वो जितने डिस्पर्स होंगे उनका जितना डिस्पर्स सेट ऑफ पॉइंट्स हम पिक करेंगे उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायरार्किकल मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।